जयंत चौधरी ने जारी किया हिंसा में भाजपा नेता का वीडियो। मेरठ की हिंसा में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक वीडियो जारी कर हलचल मचा दिया। वायरल वीडियो में कुछ प्राइवेट युवक कार से उतरकर पुलिस के डंडे लेकर दंगाइयों को काबू करते दिख रहे हैं। इसमें एक शख्स भाजपा नेता मनिंदर विहान बताया गया है। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है, इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ उल्टा दिखाई देता है। पुलिस वालों पर बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले बार बार फंस जाते हैं। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन खुद भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NRC व CAA के विरोध में देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अभी भी जारी है। हम आपको याद दिला दें कि 20 दिसंबर को देश भर के सभी राज्यों में NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, धारा 144 लगा दी गई थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह मेरठ से संबंधित है। मेरठ में भी 20 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया गया था और कई लोग मारे गए थे। ये वीडियो रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा ट्वीट की गई है, जो रविवार को 2:58 पर ट्वीट की गई थी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमिया के पुल के आसपास की वारदात है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, गाड़ी से जो उतर रहा है यह युवक BJP का नेता बताया जा रहा है। यह शख्स मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है और इसका नाम मुनेंद्र विहान बताया जा रहा है। आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो गाड़ी खड़ी हुई है, यह भी BJP के कार्यकर्ताओं की है, BJP के नेताओं की है। और इस गाड़ी से जो शख्स उतर रहे हैं, यह शख्स मुनेंद्र विहान ही है, जो पुलिस वालों के साथ शामिल हो जाते हैं। और जो आप गाड़ी के पीछे देख रहे हैं, इसमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी है, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का सवाल ये है कि पुलिस के साथ में BJP के कार्यकर्ताओं का क्या काम है, ये कई सवाल खड़े करती है। इस वीडियो से अनुमान लगाया जाता है कि अपने हक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए जाते हैं और उसमें घुसपैठी घुस जाते हैं और जो इस तरीके की हिंसा को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। शांति व्यवस्था बनाने का कार्य जो होता है पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस वालों के साथ एक राजनेता का क्या काम, राजनेता पुलिस वालों के साथ शामिल होकर प्रदर्शनकारियों में क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया था, भारत बंद किया गया था, वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरे भारत में हुआ था, जिसको लेकर कई वीडियो सामने आई थी। राजस्थान में एक राजा नाम के शख्स की वीडियो भी सामने आई थी, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसकर घुसपैठी बनकर गोलियां चलाता है। और मेरठ में भी इस तरीके की वारदात सामने आई थी, मेरठ की कचहरी में वकीलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया था, जो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस चीज़ को देखकर सवाल खड़े होते हैं कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलते हैं, करते हैं लोग अपने हक अधिकारों के लिए, उसमें राजनेताओं का व BJP के कार्यकर्ताओं का क्या काम होता है। वह अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि वंचित तबके के लोगों को हक अधिकार मिले। इस वारदात को देखकर सीखना होगा कि अपने हक अधिकारों के लिए जो प्रदर्शन करते हो, उसमें सावधान रहे कि कहीं घुसपैठी तो नहीं घुस गए जो इस तरीके का कार्य करते हैं। बहरहाल, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल मीडिया में राजनीति गर्मा गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देख रहे थे बहुजन हलचल, मैं उमेश करुणा आपसे याद लेता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, जिससे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले हमारे बहुजन व अल्पसंख्यक लोग सावधान रहे और ऐसे घुसपैठियों को पहचान सके और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।